कोरिया से जहां पर जिले के केलहारी में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं की एक बार फिर हकीकत उजागर हो गई है। अक्सर यहां मरीजों को शिकायत करते देखा गया है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ठीक से उपचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री विधायक गुलाब कमरो अचानक स्वास्थ्य केंद्र के दौरे पर पहुंचे तो अस्पताल ही उन्हें बंद मिला। अस्पताल को बंद देखकर मंत्री जी ने खुद ही अस्पताल का मेन गेट खोला और अंदर दाखिल हुए। तब जाकर स्टाफ को अपनी ड्यूटी का ख्याल आया। स्थानीय लोगों की माने तो स्वास्थ्य केंद्र कई असुविधाओं से जूझ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों के अक्सर नदारद रहने पर मंत्री जी ने फटकार लगाई, लेकिन अब देखना होगा कि स्थिति कब तक ठीक ठाक रहती है। दवाई के लिए, सब वाहन के लिए, एम्बुलेंस के लिए, इतनी सारी व्यवस्था देने के बाद अगर ताला दोबारा नहीं कर रहा थोड़ा सा वो सर आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोनों में किसी ऊपर एक ऊपर कार्रवाई होगी। और थोड़ा सा मैं गाँव के लिए रूम को बता दे रहा हूँ, हमारे निवेदन और एक स्टाफ थोड़ा करवा और एक एक कर एक एक थाना हैंडल करवा लेंगे। हां एक वन सर जी अभी चल रहे हैं, मेरे सभी अभी दो मैं राशन कार्ड ले जा रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, कोई भूखा ना हो, जनरेटर लाइट रहे के ना रहे, डीएमएफ से मैं रुकवा दिया हूँ डीजल के लिए, दवाई के लिए, सब वाहन के लिए। तो कोरिया से खबर है जहां पर जिले के कलहारी में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि अब सुविधाओं से पूरा अस्पताल जूझ रहा है, स्टाफ यहां पर समय से नहीं आता, सही से मरीजों का उपचार नहीं किया जाता। लेकिन जब राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायक गुलाब कमरो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल का मेन गेट ही बंद था। और गुलाब कमरो ने जब मेन गेट खोला तो अस्पताल के अधिकारी और डॉक्टर अंदर आराम फरमा रहे थे, जिसके बाद विधायक महोदय ने जमकर फटकार अधिकारियों पर लगाई है और सभी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी हालांकि कही गई। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक होगी, जब अधिकारी और डॉक्टर ही मेन गेट का ताला लगाकर अंदर आराम फरमा रहे होंगे तो गंभीर हालत में जो मरीज अस्पताल में आएंगे उनकी चिकित्सा कौन करेगा, उनका इलाज कौन करेगा। ज्यादा जानकारी हमारे साथ हमारे संवाददाता कोरिया से दिनेश कुमार त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश का कुछ है पूरा मामला। जी मैं आपको बता दूं कि काफी दिनों से विधायक गुलाब कमरो को ये जानकारी मिल रही थी कि केलहारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आए दिन बंद रहता है। इसके बाद जब विधायक गुलाब कमरो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ का चैनल गेट बंद है, वो स्वयं जा करके वहाँ का चैनल गेट खोले, जिसके बाद जब वहाँ के स्टाफ और डॉक्टरों को मालूम चला कि विधायक गुलाब कमरो मौके पर पहुंच गए हैं, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। इसके बाद गुलाब कमरो ने नाराजगी दिखाई और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करने की निर्देश दिए। जी तो कब से ये लापरवाही यहाँ पर चल रही है? जी मैं बता दूं, कोरिया जिले का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है केलहारी, और ना कि वहाँ आज तक कोई अधिकारी पहुँचता है ना कोई वहाँ जनप्रतिनिधि जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि वनांचल क्षेत्र है जिसके कारण कोई अधिकारी वहाँ पहुँचता नहीं। जिसके बाद जब गुलाब कमरो ने उनको जन की जानकारी मिली कि इस तरह की वहाँ पे इस तरह का मामला है, वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे और तुरंत मामले की घटना की जानकारी ली। और जब वहाँ पर वह मौके पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चैनल गेट बंद है, हॉस्पिटल का चैनल गेट बंद है, उन्होंने तुरंत खोला और तुरंत पर डॉक्टर पहुंचे और स्टाफ नर्स स्टाफ के जो लोग हैं वो वहां तक पहुंचे और इसके बाद उन्होंने बहुत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए उन पर। जी ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी दिनेश कई बार इस तरह की अस्पताल से शिकायतें मिलती रही हैं, मरीजों का सही से इलाज नहीं किया जाता है, अस्पताल का मेन गेट डॉक्टर बंद कर लेते हैं, अगर ऐसे में कोई गंभीर हालत में पेशेंट वहां पर पहुंचे तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा? जी यही सबसे बड़ी लापरवाही है कोरिया जिले में, स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से बहुत खराब स्थिति में चल रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्र सुदूर वनांचल क्षेत्र है, ना कि वहाँ जल्दी वहाँ कलेक्टर पहुँचते हैं ना जल्दी जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं, और यही और जो भी केस होते हैं उनको तुरंत रिफर कर दिया जाता है, ना डॉक्टर वहाँ पर इलाज करते हैं, तो उनको बिलासपुर भेजा जाता है या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा जाता है, लेकिन किस तरह की यहाँ की घटनाएं होते रहती हैं। जी दिनेश जी विधायक महोदय ने कार्रवाई की बात कही है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इन लापरवाह डॉक्टर्स पर और कब तक ये कार्रवाई होगी?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो कल मौके पर पहुंचे और उन्होंने कड़ा निर्देश दिया है, अगर दोबारा इस अस्पताल में इस तरह की अनियमितताएं आएंगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी को साझा करने के लिए। और अब